नमस्कार, आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ खबरें। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों यानी कि अपने रिपोर्ट कार्ड को मीडिया के समक्ष रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का एक और नए चुनावी सॉन्ग को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने प्रदेश में अपने 5 साल के कार्यकाल में सभी संकल्पों को पूरा करने के साथ प्रदेश की छवि को सुधारने का भी काम किया। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों को अपनी वरीयता में रखा सरकार ने उनको पूरा किया। तो वहीं सीएम ने कहा, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश की छवि को सुधारने की है, हम उसको सुधारने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से 4 फरवरी को बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसके बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि योगी के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। आगामी यूपी चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 9 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गुरुवार को जारी इस लिस्ट के अनुसार लखीमपुर से उस्मान सिद्दीकी, शिकोहाबाद से प्रीति मिश्रा और डुमरियागंज से इरफान अहमद मलिक उम्मीदवार होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा हमला किया कि सपा में तहलका मच गया। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मंजनपुर स्थित कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। केशव प्रसाद मौर्य के साथ सिराथू के निवर्तमान विधायक लाल बहादुर के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष अनिता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ने कड़ा माह में शीतला माता के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। डिप्टी सीएम के नामांकन में भाजपाई दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला। सहारनपुर में 17 साल के युवक की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तफ्तीश शुरू की। श्रावस्ती के बिगना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर की छत पर 12 साल की किशोरी का शव पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने आला कत्ल एक सब्बल भी बरामद किया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए जालौन में डीएम प्रियंका निरंजन ने कोविड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। कासगंज में एक प्राइवेट बस के मालिक ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए प्राइवेट बस में 2 दिनों पहले जेबरों से भरे विवाहिता के खोए हुए बैग को बस मालिक ने विवाहित महिला को वापस लौटा दिया। जेबरों से भरे बैग के वापस मिलने पर विवाहिता के चेहरे पर बेहद खुशी देखने को मिली और बैग मिलने पर महिला और उसके परिजनों ने बस मालिक को शुक्रिया अदा किया। साथ ही बस मालिक की ईमानदारी को देखते हुए पूरे इलाके में उसकी प्रशंसा भी हुई। हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र में महिला ने युवक पर विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया और थाना जाकर युवक के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज में गंगा स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में बस के परकच्चे उड़ गए तो वहीं बस में सवार करीबन 22 श्रद्धालु गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात महिला की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक का जला हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू की है। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में अनियंत्रित टेम्पो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें टेम्पो में सवार एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 3 महिलाएं गंभीर तौर पर घायल हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में पुलिस की ओर से शराब माफियाओं के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस गांव गांव जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है।
शराब माफियाओं के खिलाफ चेकिंग के दौरान महिलाएं शराब के खिलाफ काफी सक्रिय नजर आईं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध शराब नहीं पाई गई, तो वहीं इसी क्रम में रोशन हैदराबाद सहित कई गांवों में चेकिंग की जा रही है। हाथरस में हत्या का प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहे दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने दो गांजा तस्करों को 17 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों तस्कर मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। रायबरेली में जहरीली देशी शराब पीने से एक युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 20 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया। लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में ट्रांसजेंडर की हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू की है। मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लातबूसे और ईंट पत्थर चले। मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं तीन लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू की। पठानकोट में शहीद हुए जवान श्याम जी यादव का पार्थिव शरीर जब वाराणसी के सरवनपुर गांव में पहुंचा, तो शहीद जवान की आखिरी झलक पाने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में ट्रकों और सवारियों से भरे एक टेम्पो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तरकाशी में धारा 144 का उल्लंघन पर यमुनोत्री विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलवाड़ और उनके 150 समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। राज्य में अब तक 26 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। 10 करोड़ 40 लाख 47 हजार से ज्यादा लोगों को टीके के दोनों डोज लगे हैं। राज्य में 70.58% लोगों को कोरोना के दोनों डोज लग चुके हैं, तो वहीं 14 करोड़ 79 लाख 47 हजार ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना की मात्र एक ही डोज लगी है, जिनके साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस में 20 दिन पहले मृत हो चुके वृद्ध को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे का खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ, जब परिजनों के पास दूसरी वैक्सीन डोज लगवाने का मैसेज पहुंचा। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में गालीबाज पूर्व भाजपा नेता दीपू सिंह की राइस मिल पर छापेमारी की गई। मजिस्ट्रेट रमेश यादव सहित अन्य अधिकारियों ने राइस मिल पर छापेमारी करते हुए कई बोरी अवैध चावल बरामद किए हैं। बहराइच में फरकपुर थाना क्षेत्र में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि हुई, तो वहीं ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के मुख्यालय बिरालसी पर गठबंधन प्रत्याशी पूर्व विधायक पंकज मलिक ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा से सहयोग की अपील की है। बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में 35 साल के युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कानपुर के सचिंडी क्षेत्र में स्थित बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, तो इस सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 94 निर्मित और अर्धनिर्मित असलहा बरामद किए हैं। चित्रकूट के सरैया क्षेत्र में बेटी से छेड़छाड़ कर रहे मंचलों की शिकायत करने थाने पहुंची मां का मंचलों ने कान काट डाला। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करके मंचलों की तलाश कर रही है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
एटा में भाजपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जनता भाजपा विधायक के साथ बदसलूकी करते नजर आ रही है। सदर थाना विधायक माफ कीजिएगा सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड बोले जनता नहीं सपा के गुंडों ने बदसलूकी की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की तो राज्य में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी राजनीतिक पार्टियों का गणित गड़बड़ा गया है। आगामी करीबन चार दिनों तक यानी कि इस पूरे हफ्ते इस तरह मौसम बिगड़ा रहेगा, लेकिन 4 फरवरी तक के लिए खास तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में आज गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होना था, जिसे मौसम बिगड़ने के चलते रद्द कर दिया गया। तो वहीं इस रैली को लेकर जिला प्रशासन और पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। चुनाव मैदान से हटने के बाद कांग्रेस के बागी नेता के एक बयान के बाद प्रदेश में धार्मिक तुष्टिकरण पर सियासत गर्मा उठी है। इस पर मुख्यमंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जुबान से बयानों के तीर छूट रहे हैं। कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चली है। सीएम धामी ने कहा कि पूर्व सरकार में जुमे की नमाज की छुट्टी तक दे दी गई। धार्मिक तुष्टिकरण के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी नहीं चूके। उन्होंने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार किया तो वहीं रावत ने इसे बीजेपी नेताओं की साजिश करार दिया है। हरिद्वार में रात से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। ज्यादा बारिश होने से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में मौसम का मिजाज तब्दील होने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम खासा बिगड़ा रहेगा।